हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस और इसको इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स भी बोला जाता है। ठीक है, मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, उसके अंदर मेंडल ने एक जीन मींस एक करेक्टर को क्या किया, एक्सप्लेन किया, उनके बीच में क्रॉसिंग कराई, उन्होंने क्या किया, टॉल और ड्वार्फ टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लेके उनके बीच में क्रॉसिंग कराई और उनके बाद उनको F1 और F2 का एक रिजल्ट मिला, एक रेशो मिला। ठीक है, ठीक इसी तरह मेंडल ने उसके बाद क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया मींस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, मतलब टू डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पी जनरेशन में राउंड येलो क्रॉसिंग कराई किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ओके, मेंडल ने क्या किया, टू यहां पे, टू करेक्टर यहां पे और टू यहां पे, इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है, इस ये था क्या था, पी जनरेशन, ये कौन सी थी, पी जनरेशन। पी जनरेशन होता है पेरेंटल जनरेशन, पी जनरेशन मींस पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, यहां पे इसको कैपिटल आर येलो, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, यहां पे रिंकल स्मॉल आर और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई मींस ग्रीन। ठीक है, ओके, उसके बाद यहां पे गैमेट्स की फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे गैमेट्स मिला कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, गैमेट्स कौन से, कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर और यहां से कैपिटल वाई। ठीक, इसी तरह यहां पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ओके, यहां पे जो गैमेट्स मिले स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद जो F1 जनरेशन में रेशो आया, F1 का मतलब होता है फिलियल वन जनरेशन में जो रेशो आया। ठीक है, यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्रॉसिंग कराने के बाद अगर हम F1 जनरेशन में देखे, अगर फिनोटाइप देखे तो कैसा आया, राउंड येलो। कैसे मिले, राउंड येलो, राउंड तो सेप थी पी प्लांट की, पी प्लांट के सीड की, और येलो कलर था किसका, सीड का, पी के सीड का। ओके, अब क्या हुआ आगे, मेंडल ने इनकी आपस में सेल्पिंग करी। ठीक है, सेल्पिंग करने के बाद मींस आपस में इनकी क्रॉसिंग कराई, तो यहां पे 4 टाइप के गैमेट्स मिले, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, यहां पे जो गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई सेल्पिंग कराने के बाद, ये मिले कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने क्या किया, सेल्पिंग कराई। ठीक है, सेल्पिंग कराने के बाद क्या मिले, गैमेट्स मिले, और गैमेट्स की आपस में क्रॉसिंग कराई पर्नट स्केल की हेल्प से, ऐसे पर्नट स्केल को ड्रॉ किया और यहां पे ऐसे क्रॉसिंग कराई पर्नट स्केल की, यहां पे ऐसे ऐसे क्रॉसिंग कराई। ठीक है, यहां पे क्रॉसिंग कराई ऐसे, 16 टोटल बॉक्सेस बनेंगे, यहां पे बॉक्स बनेंगे। ओके, यहां पे गैमेट्स, ठीक है, यहां पे गैमेट्स लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ऐसे ही यहां पे एक को मेल वाला ज़ूम कर लेंगे, यहां पे ये मेल, इस साइड मेल वाले और यहां पे ये फीमेल वाले। ठीक है, यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद इनकी आपस में क्रॉसिंग कराई, तो क्या है, कैपिटल आर पहले इसकी इसके साथ, देन इसके साथ, उसके बाद इसके साथ और लास्ट में इसके साथ। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई,
उसके बाद इसकी इनके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, मींस इसकी चारों के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी चारों के साथ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। नेक्स्ट होगा इसके साथ करे दो स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ओके। अब इसके साथ करे दो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसके साथ देखे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ये 16 डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, मेंडल को डिफरेंट 16 कॉम्बिनेशन देखने को यहाँ पे मिले, ठीक है। अब मेंडल ने फिनोटिपिक रेशो निकाला, ठीक है, क्या निकाला फिनोटिपिक रेशो, ठीक है, यहां पे राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो राउंड ग्रीन, ओके, उसके बाद रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन इनके बीच में, ओके, राउंड येलो राउंड ग्रीन उसके बाद रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पे राउंड, जी का मतलब ग्रीन, डब्ल्यू का मतलब रिंकल्ड और कैपिटल वाई का मतलब यहाँ पे येलो और डब्ल्यू का मतलब क्या है रिंकल्ड और यहाँ पे जी का मतलब ग्रीन, ठीक है, राउंड येलो, ठीक है। इसको इनमें से हमें 16 में से राउंड येलो निकालने हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा हमने राउंड येलो को किस से डिनोट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे राउंड और क्या है येलो, राउंड येलो है, राउंड को हमने किस से डिनोट किया है आर से, कैपिटल आर से, और येलो को कैपिटल वाई से, ठीक है। कम से कम हमें इसके अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसके अंदर कम से कम एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई, ठीक है, दो मिले तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो, ठीक है, यहाँ पे कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9, ठीक है, तो राउंड येलो कितना है 9, राउंड येलो 9 सीड मिले, ठीक है, ओके। अब क्या था, ये था F2 जनरेशन का, ये किसका था F2 जनरेशन का डाटा, ये F2 जनरेशन का, ये ठीक है, ये F2 जनरेशन के लिए क्लोजिंग है, ठीक है, F2 जनरेशन का कौन सा है फिनोटिपिक रेशो, कौन सा है फिनोटिपिक रेशो, ठीक है, राउंड येलो कितने 9, ठीक है। उसके बाद राउंड ग्रीन, राउंड को कैपिटल आर, ग्रीन का मतलब ग्रीन किसे किया डिनोट हमने, ग्रीन है स्मॉल वाई, कम से कम एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई, ठीक है, एक कैपिटल आर और कम से कम एक स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, 1, 2 कैपिटल आर स्मॉल वाई 3, ठीक है, तो कितना आया 3। हमें सपोज करो हमें राउंड ग्रीन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो हमें राउंड ग्रीन कितने मिले 3 मिले, ठीक है, तो हम इनको आइडेंटिटी दे देंगे ऐसे 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 मार्क कर देंगे, और हमें एक बार ही काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम अगला फिनोटिपिक रेशो निकालेंगे, जैसे इसका निकालते हैं रिंकल्ड येलो का, तो उनको पहले वाले को काउंट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे 12 को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब कितने बाकी बचे हैं 4 बाकी बचे हैं, ठीक है, उनमें से देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे और आपके रिंकल्ड येलो कितने होंगे, अब रिंकल्ड येलो को देखते हैं, ठीक है, रिंकल्ड येलो, ठीक है, रिंकल्ड
येलो, रिंकल्ड और येलो, ठीक है। रिंकल्ड हमने स्मॉल आर से डिनोट किया येलो, कैपिटल वाई से, ठीक है, रिंकल्ड येलो, ठीक है। रिंकल्ड के लिए एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई, ठीक है, ये रहा, कम से कम एक, थ्री पे तो थ्री मार्क कर देंगे, वन टू और ये थ्री, ठीक है, तो कितना आया, थ्री आया, ठीक है। उसके बाद जो एक बचेगा कौन सा होगा, वो रिंकल्ड ग्रीन, ये वाला रिंकल्ड ग्रीन का मतलब स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये आया हमारा फेनोटाइपिक रेशियो होगा हमारा, ये रहा फेनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 9:3:3:1, ठीक है। राउंड येलो 9 सीड, ठीक है, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन कितने, 1, ठीक है। दिस इज द फिनोटिपिक रेशो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, ठीक है, मेंडल का F2 जनरेशन के अंदर फिनोटिपिक रेशो जब मेंडल ने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस को किया। अगर हम मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें और उसके अंदर अगर हम फिनोटिपिक रेशो भी हमने क्या निकाला, फिनोटिपिक रेशो इन F2 जनरेशन क्या आया, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये चार टाइप के एप्टोजेनेशन के बाद हमें क्या मिले, सीड की शेप और सीड के कलर के बेस पे फोर अलग अलग हमें क्या मिले, फिनोटिपिक रेशो मिले। अगर हम बात करें राउंड येलो की तो 3, 9, कितने 9, और राउंड ग्रीन 3, और रिंकल्ड येलो कितने 3, और रिंकल ग्रीन कितने 1, ठीक है, ओके। एप्टोजेनेशन के बाद जो फिनोटिपिक रेशो आया था अभी जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन कितना 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो टोटल कितने नंबर के अंदर सीड प्रोड्यूस हुए, ठीक है, तो जो टोटल सीड प्रोड्यूस हुए वो कितना हुए, 556 टोटल सीड प्रोड्यूस हुए, ठीक है। अगर बात करें राउंड येलो की तो राउंड येलो कितने 315, ठीक है, कितने 315 सीड, कितने सीड हुए 315, ठीक है। अगर बात करें राउंड ग्रीन की तो 108, ठीक है, राउंड ग्रीन कितने 108, ठीक है, राउंड ग्रीन कितने 108, ठीक है। उसके बाद रिंकल्ड येलो 101 और रिंकल ग्रीन 32, ठीक है, ओके। राउंड ग्रीन 315, राउंड येलो 315, राउंड ग्रीन कितने 108 और रिंकल्ड येलो 101 और रिंकल ग्रीन कितने 32, ठीक है।